ये है मिर्ची जो मार्केट में मिल जाती है, मगर बड़े साइज़ की लेनी है। इसका मैं बनाऊंगी राजस्थानी मिर्ची, बनाते हैं एक छोंक टाइप की, मतलब अचार की तरह भी यूज़ हो जाती है इसको। मतलब थोड़ा सा कट करके, मतलब इसके पीछे वाले वो कट करके इनकी पूंछल, तो इससे मैं गूँथूंगी कि किस तरह करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये ऐसी ही बनाई जाती है, इसका इसी तरह इसका अच्छे से, ये देखिए। और उसके बाद छोंक कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगी। इसको पीस पीस के सारा इसको, इसका गूथा निकाला जाता है, तो मैं आपको एक करके बता रही हूँ, फिर आपको सारी में बताऊंगी। इस वीडियो में एक करके बता रही हूँ। इस तरह देखिए, मैंने इस सिलवट्टे से इस तरह ये मिर्ची कर दी है, देखिए आप देख रहे हैं, इस तरह गूंथ दिया है। अब इसका छोंका लगाएंगे इस मिर्ची का। ये मैंने काली सरसों, काली राई और सौंफ और ये मेथी दाने और ये सरसों का तेल मैंने गर्म करने के लिए पहले से आंच में रख दिए। कच्चा सरसों का तेल है, इसे पकने देंगे क्योंकि इसकी स्मेल ना आए। ये मतलब राजस्थानी, मैंने एक लेडी को देखा, सही का मायनों में देखा, वो मिर्ची का कैसे, मिर्ची का ऐसे अचार छोंका मार के अचार बना लेते हैं हल्का सा, और कुछ दिन के लिए चलता है, हफ्ते भर के लिए, तो बहुत टेस्टी लगा और ज़्यादा मिर्ची लगती भी नहीं। तो ये मैं ट्राई करने जा रही हूँ आज। देखिए धुआं निकल रहा है इससे, तो अब मैं इसके अंदर राई के दाने और ये मेथी के और हल्की सी सौंफ डालूंगी। ये सिम पे है, हल्का सा घुमाऊंगी। ये देखिए अब मैं इसके अंदर मिर्ची डाल दूंगी, ये सिम पे ही है अभी, इसको फ्लेम इसका लो ही है। मिर्ची डाली और इसमें ही नमक स्वाद अनुसार, नमक और लाल मिर्च बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, हल्की सी लाल मिर्च, पहले से थोड़ा सा पकने दूँगी। ये मैं पका रही हूँ, इसको हिलाते रहिए ताकि नीचे लगे ना और हल्की हल्की पक जाए। बहुत खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। सर नमक लाल मिर्च,